बनाया बहुत बड़ा मंदिर परशुराम जी का बना है कानपुर में, प्रतिभा शुक्ला ने बनाया, मैं नाम भी ले रहा हूँ। और वो उसके बाद परशुराम जी का जो पार्क है वो हमारे मेयर ने कानपुर के बनाया। आज हमने यहाँ पे परशुराम चौक अभी हमने 8 महीना 9 महीना पहले राजाजीपुरम में बनाया है। हम काम कर रहे थे, हमारी नकल दूसरे लोग करना चाहते हैं उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है ये महापुरुष और भगवान, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का केंद्र है। ब्राह्मणों की नाराजगी है जो सरकार को नुकसान पहुंचाता है। ब्राह्मणों की नाराजगी विपक्ष से है और विपक्ष को नाराजगी इस बात की है कि विपक्ष को ब्राह्मणों से नाराजगी इस बात की है कि सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी में, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी में, सबसे ज्यादा हमारे प्रतिनिधि बीजेपी में, सबसे ज्यादा राज्यसभा के और MLC बीजेपी में, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन चेयरमैन बीजेपी में। ये विपक्ष के दर्द का कारण है। हम सभी जाति और धर्म को अगर हम रैदास जी का मंदिर बनाते हैं और कबीर जी का बनाते हैं, वाल्मीकि जी का और हम यहाँ पर लखना पासी का उपवन बनाते हैं, तो हम अगर परशुराम जी का भी है, महाराणा प्रताप जी का भी करते हैं, उसमें बुराई क्या है? हम सारे महापुरुषों को मानने वाले लोग। किन्नर यात्रा को लेकर के क्या मकसद है? देखिए, इसको भी लोग कहेंगे चुनावी, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। किन्नर के लिए पहली बार जब मैं मेयर था तो एक उनके उत्थान की नियमावली बीजेपी ने बनाई थी और उस नियमावली को लखनऊ में लागू किया गया था कि किन्नरों के भी रहने का व्यवस्था हो, किन्नर की भी चिंता हो, उनको भी एक निश्चित अमाउंट मिले, उनको भी बिजली और पानी और ये मिले, ये व्यवस्था हमने करी थी। आज मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक किन्नर बोर्ड बनाया और किन्नर बोर्ड में इनकी समाज की सारी व्यवस्थाओं को लिखा है कि इनको नौकरी मिले, इनको विभिन्न प्रकार की केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इनको ऋण मिल सके बैंक का, इनको रहने का आवास मिल सके, इनको विभिन्न प्रकार की जो और विसंगतियाँ और तकलीफें हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये किन्नर बोर्ड के अंतर्गत है। और ये किन्नर बोर्ड आह्लादित हैं और आप जानते हो कि किन्नर तो जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो आशीर्वाद दिल से लगता है। आपके पूर्व सांसद है हरि नारायण राज पर, वो कहते हैं जनसभा में, उसका एक बाकायदा वीडियो आ रहा है कि AK शर्मा को मुख्यमंत्री होना चाहिए, बार बार अगर साफ कर दिया गया तो इस तरीके की आवाजें क्यों उठ रही है? देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं और अब किस संदर्भ में क्या दिया है उन्होंने, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे वहाँ कोई विवाद नहीं होता है, बीजेपी निर्विवाद है और बीजेपी में इफ़ी अवट नहीं होता। जो निर्देश केंद्र का हो जाता है वो मानी रक्षा मंत्री जी, मानी अमित शाह जी और मानी सारे लोगों के बयान आने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान आने के बाद हमें से कार्यकर्ता को इसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। सर, जो ऊपर का नेतृत्व बोल देता है वही बीजेपी की लाइन होती है। सर, काशी के गंगा घाट के किनारे पोस्टर लगे हैं, नहीं इस प्रकार से सबके लिए है, जिसने भी लगाया होगा उससे कोई संबंध किसी का नहीं। सर, यूपी सरकार ने किसानों की 50% किसान, बीजेपी का मुद्दा है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए और दोगुना करने के लिए ही दिशा में ये कदम है। हम उनको बिजली भी आदि दे रहे हैं, अभी आगे हम और भी तमाम सुविधा इन भविष्य में भी देने जा रहे हैं। आज खाद हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, सिंचाई के साधन हम मुहैया करा रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार के उपकरण, आज कृषि के उपकरण देने का काम गांव-गांव की समितियों को बीजेपी कर रही है और यही चिंता है विपक्ष की कि बीजेपी किसानों के लिए भी काम कर रही, व्यापारी के लिए भी काम कर रही, छात्र के लिए भी काम कर रही, शिक्षक के लिए भी काम कर रही, यही आज विडंबना है विपक्ष की। अब वो किसी को किसी प्रकार के सपने आते हैं, किसी ने 40 साल पहले लोग बोले कि 40 साल पहले कहा था, चौधरी साहब ने सही में कहा था कि नदियाँ मिला जाए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, लिंक हो जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं किया था, उनको मिलाने का काम बीजेपी ने किया। अब कोई कहे कि वो सपने देखा था हमने, तो चौधरी साहब को मानने वालों ने उस सपने को पूरा क्यों नहीं किया? चौधरी साहब के सपने को हमने पूरा किया। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है, सपना देखना दूसरों का काम है, हमारा है जनता ने जो सपना देखा उसको पूरा करना। अब चुनाव आया है तो ब्राह्मण समाज की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ की सरकार में जातिवादी नीयत से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। रायबरेली में ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, परिवार के परिवार जिंदा जला दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया गया, हत्या की गई, मारा गया। उस समय भाजपा के नेता कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। ब्राह्मणों के नाम पर जो कुर्सियों पर बैठे थे सरकार में, उनकी आवाज बंद हो चुकी थी, मुंह में दही जमा हुआ था। और अब जब चुनाव आया है
तब ब्राह्मण समाज के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। समाज जानता है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है तो 5-5 मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। नाम वोट लेते रहे लेकिन सरकार आने पर प्रताड़ित करते रहे। भाजपा का यह चरित्र प्रदेश का ब्राह्मण समाज जानता है। अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। उस समय कहां पर थे जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था। खुशी दुबे 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है लेकिन ब्राह्मण नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है कि एक निर्दोष स्त्री वो बंद है जो 5 दिन पहले शादी होकर विकास दुबे के यहाँ आई थी। कोई भी भाजपा का ये षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने और कांग्रेस की सरकार बनवाने जा रहा है।